नमस्ते दोस्तों, बुधवार के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का मेरा सब्जेक्ट है इंश्योरेंस सेल्समैन में चैंपियनशिप कैसे हासिल करना, मास्टरी कैसे हासिल करना। तो दोस्तों, दो पॉइंट पे आपका ध्यान होना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज में मास्टरी अगर करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सीखना पड़ेगा। और कोई भी चीज एक दफे सीखते हैं ना तो मजा नहीं आती। तो मास्टरी करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले सीखो उसको अप्लाई करो, फिर दोबारा सीखो उसको अप्लाई करो, तीसरी बार सीखो अप्लाई करो, चौथी बार सीखो अप्लाई करो। अब मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, आईओए की जितने भी कोर्सेस है दोस्तों, मैंने मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद मैंने उसको कोर्स बनाया, तो फील्ड में टेस्टेड है। ये हमारे सभी लीडर ने भी उसको टेस्ट किया। अभी आपको भी वैसी मास्टरी चाहिए, जहां भी जाओ आपको पॉलिसी आप बेच के ही आ सकते हो, तो रिलेशनशिप बना के आ सकते हो, बड़ा कमीशन कमा सकते हो। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टरी करने। और मास्टरी करने के सीक्रेट आज आपको मैं बता रहा हूं। देखो, सीखे बगैर कोई भी चीज करते हैं ना कभी भी, तो बहुत लंबा टाइम सीखने में चला जाता। आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग क्या करते हैं मालूम है, कोई नया बिजनेस शुरू नहीं करते। जिसने 5 साल से 10 साल से बिजनेस शुरू किया है, जमाया है, गलतियां की है, करेक्शन कर करके अभी सफल मॉडल बनाए, लोग उसको खरीद लेते, एक्वायर कर लेते, उसमें पैसे डालते हैं। तो हमें उससे पर से क्या समझना चाहिए कि मुझे खुद टेस्ट ट्रायल एंड एरर मेथड करके मैं सीखने को जाऊंगा तो मेरे जिंदगी के 10 से 15 साल वेस्ट हो जाए। हाँ, लेकिन जो सीखे हुए लोग हैं, जैसे हमारे, मैं हूँ, हमारे सभी लीडर हैं, मुझे 40 साल का इंश्योरेंस सेलिंग का एक्सपीरियंस है और 25 से 30 साल का ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। देखो, सीखने के बाद सिखाना आना भी चाहिए, बहुत लोग को आता है लेकिन सिखा नहीं पाते। सिखाना एक अलग कला है और भगवान ने हमें दी है। सो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, बेसिक कोर्स। मैंने देखा है सफल जो MDRT है ना, एक आध दफे कर लेता है, COT एजेंट है ना, तो वो COT कब बनते हैं, 3 से 4 दफे 5 दफे 6 दफे 7 दफे। और मैंने TOT एजेंट को हमेशा पूछा है, आपने बेसिक कोर्स कितने दफे किया, बोला 12 दफे किए, कोई बोलते 11 दफे किए। हमारे अभी एक स्पीकर है और आपको एक गुड न्यूज दे दूं, 2-3 गुड न्यूज है। एक है कि 25 और 26 तारीख को कॉर्पोरेट कोर्स हो रहा है ऑनलाइन, उसके पोस्टर आपको मिल जाएगा। और ये ऑनलाइन कॉर्पोरेट कोर्स कहीं से भी कर सकते हो। हमारे अभिजीत शाह करके एजेंट है, अभी पुणे में FTS प्रोग्राम था, मैं एक दिन के लिए गया था, मुझे मिलने को आए थे। TOT एजेंट है बरसों से, मुझे बोलते हैं हर साल अप्रैल महीने में मैं बेसिक कोर्स करता हूँ, ये पीछे 15 साल से कर रहा हूँ। TOT एजेंट है, क्यों कर रहा है दीपक भाई, इससे और कुछ समझ में आता। अच्छा, सीखता है फिर अप्लाई करता है। तो दूसरा कंडीशन क्या है, हमें खाली सीखना नहीं है, सीख के उसको अप्लाई करना। अच्छा, अप्लाई किया तो अपने को पता चलेगा कि हमारी क्या गलती हो रही थी। अच्छा, अप्लाई करने से ही पक्का होगा। फिर मुझे बोलते दीपक भाई, मैं एडवांस कोर्स भी हर साल करता हूँ। अच्छी बात है। अभी GIC का कोर्स आज ही था, आज मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये बुधवार को वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, आज संडे है। आज GIC का कोर्स था, GIC मार्केटिंग एक दिन का। अभी GIC का एडवांस कोर्स जुलाई महीने में हो रहा है, तो आपको उसके भी पोस्टर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मेरी जिंदगी में मुझे एक्सपर्ट होना है, तो एक्सपर्ट लोगों को सुनना पड़ेगा। देखो, आप जिसको देखोगे वैसे ही आपने संस्कार आएंगे। जिसको देखोगे, दूसरा आदमी कैसे कर सकता है, मेरा काम करने का तरीका एक है लेकिन दूसरा बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है अगर आपने जान लिया। दोस्तों, 8 जुलाई को पुणे में एक बहुत बड़ा शानदार प्रोग्राम होगा, 1-डे इवेंट हो रहा है, और इसमें अभिजीत शाह खुद TOT एजेंट, बरसों से TOT कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। ऐसे अनेकों COT TOT एजेंट आपको वहां सुनने को मिलेंगे। तो एक्सपर्ट बनना है तो पहले सीखना चाहिए, अप्लाई करना। दूसरा, एक्सपर्ट बनना है तो इंडस्ट्री के जो टॉप प्रोड्यूसर है, अभी देखो हम लोग तो है, लेकिन जिसने हमारे से सीख के बहुत कुछ अचीव किया है, जैसे राम नायर जी है, अभिजीत शाह है, बाकी भी लोग है उस सेमिनार में, मुकेश भाई रहेंगे, मैं रहूंगा, हनुमान धमाल रहेंगे, तो
प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जो चीज मैं कर रहा हूं उसको और पक्का कर, उसके ऊपर एक्सपर्टाइज लाना। और लोग एक्सपर्टाइज खाली सोचते रहते, एक्सपर्टाइज कैसे आएगा दोस्तों? एक्सपर्टाइज कोई भी चीज रिपीटेडली करने से आती। अच्छा हम तो काम करते रहे, हमें क्या लगता है बेसिक कोर्स एक दफे कर लिया, अभी बारी बारी रिपीट करने की क्या जरूरत? मैंने, मेरा एक्सपीरियंस है कि जितने लोगों ने जितने ज्यादा दफे बेसिक कोर्स रिपीट किया है उतना ज्यादा उनका फायदा हो। अभी तो मजे वाली बात है, सब कुछ ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अभी हमने इप्पा के लॉन्च एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले IAPA, तो आप गूगल मार्केट में जाके IAPA लॉन्च करोगे तो गोल राउंड आपको IAPA का दिखाई देगा, उसको डाउनलोड कर लोगे, उसमें पूरे प्रोग्राम सब कुछ उसमें अवेलेबल होगा। सो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, कोई भी लाइन हो, गाड़ी रिपेयर करने की लाइन, पायलट हो, किधर भी हो, आप देखना पायलट को भी क्या करते, पहले पायलट की ट्रेनिंग देते, हवा जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग देते, उसके बाद उसके बाजू में एक एक्सपर्ट पायलट बैठा रहता है, वो लैंडिंग और फ्लाइंग दोनों करवाता है। फ्लाइंग करवाना तो एक दफे आ सकता है, लेकिन लैंडिंग करवाने के लिए बहुत सावधानी से करना पड़ता है, पर्टिकुलर जगह से उड़ाना पड़ता है, पर्टिकुलर रनवे पे ही लैंड करना है, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। दोस्तों हमारे पास भी लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है, हमने अगर सही नॉलेज लिया तो बहुत लोग, बहुत विधवाओं का जीवन बचा सकते, नहीं तो हम बेचेंगे ही नहीं, बेच ही नहीं पाएंगे, तो हमारी गलती की वजह से किसी विधवा को पैसा नहीं मिलेंगे दोस्तों, बहुत बड़ी गलती है। तो हमें, अच्छा कोई भी लाइन में, अभी समझो कोई टीवी रिपेयर करने वाला है और एक्सपर्ट नहीं, आपको उसके और नफरत हो जाएगी। अच्छा प्यार कब होगा? फटाक से रिपेयर कर देगा, अच्छे से रिपेयर कर देगा, और बाकी उसकी काबिलियत आपको पता चल ही जाएगी। तो दोस्तों ये दुनिया में वो लोग पूजे जाते हैं कि जो काबिल है, जो लोगों के पास एक्सपर्टाइज है। आप कोई भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हो, लोग पूछते हैं मुझे फला फला डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवा, भले महंगा हो। और दोस्तों ये महंगा, उनकी फीस ज्यादा क्यों होती है? कि उनका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। ऐसा हम भी जब पार्टी को मिलते हैं तो हमारा सक्सेस रेशियो कब जाएगा, ज्यादा होगा, हम ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा सफल लोगों से सीखेंगे। अच्छा उसको अप्लाई करेंगे, इसके लिए दो ही तरीके, कोर्सेस एंड सेमिनार। कोर्सेस में आपको लीडरशिप ट्रेनिंग मिलेगी, सेमिनार से लीडर्स भी रहेंगे और एक्सपर्ट जो एजेंट है। अभी गुजरात में गुजरात कन्वेंशन, सुपर मजा आया, सभी टीओटी की स्पीच थी वहां, मैं भी था, मुकेश भाई भी थे, लोग इतने इंस्पायर हो गए, बोले सर जीवन बदली। तो आपको जिंदगी में अगर मास्टर बनना है तो आज मैंने आपको दो प्रिंसिपल पावरफुल बताए, सीखो, पहला प्रिंसिपल, दोबारा रिपीटेडली सीखो, ये दो प्रिंसिपल हो। तीसरा प्रिंसिपल है सीखने के साथ तुरंत अप्लाई करो, आज सीखा अगर आज अप्लाई कर लिया दैट इज द बेस्ट, क्योंकि 24 आवर्स के बाद में आपका 72% नॉलेज गुल हो जाए। So, सीखना अप्लाई करना, ये कंटिन्यूस अगर चलते रहा, मैं आपको गारंटी देता हूं जहां 25 साल में आप पहुंच सकते हो वहां 5 साल में पहुंच जाओ, खाली टाइम का मामला है। आप 25 साल में समझो 5 करोड़ कमा लोगे, वही अगर 5 साल में कमा सकते हो तो कितना बढ़िया रहेगा। सो दोस्तों लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने दिमाग के लिए, और उसको फास्ट अप्लाई करना पड़ेगा। सो दोस्तों मैं चाहता हूं लाइन कोई भी हो, अगर एक्सपर्ट है तो दुनिया पूजेगी, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो दुनिया ठोकर मारेगी। दो ही फर्क है, एक्सपर्ट का पूजन होता है और फालतू लोगों को लात मारी जाए, और उससे आपको पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं होती है, पर्सनली कोई प्यार नहीं होता है। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो पूजे जाओगे, इसका मतलब आपको सामने से लोग रेफरेंस देंगे। मुझे भी लोग सामने से रेफरेंस देते, IUA में कितने लोगों को भेजते, क्यों? यहाँ आके उनका जीवन बदली हो। वैसे ही आप जिसको पॉलिसी बेचते हो उसको लगना चाहिए यस, इसके नॉलेज से मुझे फायदा हो रहा है। और दोस्तों एक्सपर्ट आ गई, एक्सपर्टाइज आ गई, जीवन बन गया। जहां 25 साल में पहुंच सकते हैं, 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में पहुंच सकते हो। इसके लिए करना है सीखना है, अप्लाई करना है, वापिस सीखना है, वापिस अप्लाई करना है, वापिस सीखना है, वापिस अप्लाई। खाली अप्लाई करोगे तो भी नहीं होगा, खाली सीखोगे तो भी नहीं होगा। एक्सपर्टाइज के लिए दो ही मंत्र है, सीखो, अप्लाई करो, और कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। और अगर आप, और इसके लिए हर एक सेमिनार, कोई भी सेमिनार मिस मत करिए, कोई भी कोर्स मिस मत करिए।
अब देखिए आपके 5 साल के बाद आपने सोचा नहीं होगा उतना आगे आप पहुंच सकते हो। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।